नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लैपटॉप आरटीसी सेक्शन के बारे में, LAPTOP लैपटॉप आरटीसी सेक्शन के बारे में। ठीक है, कि लैपटॉप के आरटीसी सेक्शन में क्या क्या लगा होता है, कैसे होता है, प्रॉपर बिल्कुल एकदम डीपली नॉलेज आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ आरटीसी सेक्शन के बारे में लैपटॉप के। और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आता है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी ई रिक्शा या एसी पीसीबी चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए या फिर www.multitechinstitute.com पे विजिट करिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आरटीसी सेक्शन दिखने में कैसे होता है। देखिए, ये है आपका आरटीसी सीमो सेल। ठीक है, सीमो सेल होता है और यहाँ पे ये जो ज्यादातर आप देख रहे हैं, ये जो सीमो सेल होता है ये 3 वोल्ट का होता है। ठीक है, तो मोस्टली अगर आप देखे होंगे तो हम सबसे पहले तो आपको चेक करके भी दिखा दे कि जो सीमो सेल है हमारा चार्ज है कि नहीं है, क्योंकि अभी हमने पावर नहीं दिया है एडेप्टर से। तो ये हमारा सीमोस सेल है, मल्टीमीटर को DC20 पे रखे हैं और इसको देखते हैं क्या चार्ज है। तो हाँ जी, बिल्कुल चार्ज है, 2.9। ये हमारा सीमोस चार्ज है, अप्रोक्स 2.9 के ऊपर ही होना चाहिए। अगर 2.9 से नीचे है तो आप सीमोस सेल को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अप्रोक्स 3 वोल्ट, कोशिश करिए कि 2.97, 2.98 ही रहे, क्योंकि उससे नीचे आता है तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है आरटीसी सेक्शन में। बेसिकली आरटीसी सेक्शन का काम क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। आरटीसी सेक्शन जो है ये आपके चिप को 24x7, 24 आवर, यानी 24x7 और 7 डे, यानी पूरे 365 दिन 24x7। ठीक है, आरटीसी सेक्शन का काम जो है सिंपल सी है कि आपके जो बायोस वगैरह होता है उनकी सेटिंग को बना के रखता है, यानी खराब नहीं होने देता है। और आपके चिप का ये हॉट बीट है जो क्लॉक पल्स प्रोवाइड करता है, ये जो वर्किंग इनका है ये 24x7, ठीक है, यानी 24 घंटा काम करता है और 365 दिन काम करते हैं। ठीक है, तो ये 24x7 24 घंटे काम करते रहता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, ये तो वर्किंग हो गया इनका कि आरटीसी सेक्शन जो है चिप को क्लॉक पल्स प्रोवाइड करता है, यानी क्लॉक पल्स देने का इसका जो सप्लाई है जो जाता है वो काम करता है। इनकी सेक्शन के बारे में सबसे पहले जानना है, क्योंकि सेक्शन को रिपेयर कर लेंगे, सेक्शन को जान जाएंगे, तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से आप आरटीसी सेक्शन को यहाँ पे आज चेक करने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें, सिमेट्रिक पे आते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो सिमेट्रिक है, यहाँ पे ये सिमेट्रिक देखें कि ये आरटीसी बैट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आरटीसी बैट, ये आपका आरटीसी सेक्शन का ये हो गया आपका सीमो सेल। एक साइड इसका ग्राउंड है और दूसरा साइड सप्लाई यहां से निकला, यहां से सप्लाई निकला आरटीसी BATT और ये आरटीसी बैट यहाँ आ गया। कहाँ पे? आरटीसी बैट। यहां से सप्लाई निकला, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है 1 किलो ओम का और यही सप्लाई आ गया कहाँ? डायोड। ठीक है, यहाँ पे 2 डायोड आपको दिखाया गया है। दूसरे डायोड पे जो सप्लाई आ रहा है 3 वोल्ट ऑलवेज पावर। ठीक है, ये जो सप्लाई आ रहा है कहां से? तो आपको स्टेप डाउन से। ये कैसे आएगा ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद यहां से ये सप्लाई निकला आरटीसी VCC और ये आरटीसी VCC कहां जा रहा है हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया और इसको हम यहां से थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। अब देखिए आरटीसी VCC जो आता है वो यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा मैं इसको जूम करूं तो और आप ध्यान देंगे इसके अंदर और क्या क्या होता है। ठीक है, बेसिकली जो है आपको आरटीसी VCC एक तो डायरेक्ट चिप के अंदर चला जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आरटीसी VCC वहां से आ गया यहाँ पे, ये हमारा चिप है और चिप के पास आ गया। यहाँ पे देखिए 20 किलो ओम का रजिस्टर एक ऊपर वाला भी लगा है और 20 किलो ओम का रजिस्टर नीचे भी लगा है। एक होता है आरटीसी रीसेट, एक होता है एसआरटीसी रीसेट। दो चीजें आ जाती हैं और चले जाते हैं कहाँ? चिप पे।
और आरटीसी बीसीसी ये डायरेक्ट खुद भी ये आपको यहाँ से कॉपी करके हम कंट्रोल आपको एफ कर दिए, यहाँ पे कंट्रोल वी हो गया, और ये जो है आपको देखें कि यहाँ पे आया ये चिप। अभी हमने यहाँ पे आपको बताया था ये चिप पे भी जाता है, वही मैं देखिए ये आरटीसी ये चिप वाला सेक्शन है, और आरटीसी देखिए ये आरटीसी सप्लाई बन के फिर यहाँ पे भी आ गया, आरटीसी बीसीसी चिप पे भी आ गया। ठीक है, तो यही मैं बता रहा था कि आरटीसी के जो सप्लाई है डायरेक्ट चिप पे भी जाता है, और फिर वही सप्लाई यहाँ आया 20 किलो 20 किलो दो रजिस्टर लगा है आरटीसी एस आरटीसी, और यही सप्लाई चिप के अंदर चला गया, और जब चिप के अंदर गया तो फिर वहीं से ये देखिए क्रिस्टल लगा हुआ है 32.768 किलो हर्ट्ज का। ठीक है, और ये प्रॉपर प्रोसेस हो गया। इनके साथ में नॉन पोलराइज कैपेसिटर भी दो ठो लगे होते हैं, जिसका एक सिरा क्रिस्टल के साथ में जुड़ा होता है, दूसरा इसका ग्राउंड से जुड़ा होता है, बीच में ये 10 मेगा ओम का एक रजिस्टर लगा होता है, और ये दोनों कनेक्ट होते हैं इस चिप के अंदर। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका सेमेटिक के थ्रू, कि हमने आपको सेमेटिक के थ्रू दिखा दिया कि ये ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो अब आ गए हम यहाँ पे बोर्ड पे। ठीक है, तो ये हो गया। सबसे पहले तो हम जो आपको डायग्राम बनाए हैं इसको आपको समझाते हैं ताकि आप ये अच्छे से समझ जाए। देखिए ये जो है एडाप्टर से सप्लाई आता है, ठीक है, कहाँ पे वोल्ट इन। देखेंगे कि एक तरह से एडाप्टर से सप्लाई आता है और दूसरे तरफ से बैटरी का सप्लाई आता है। जब बैटरी से आपका लैपटॉप जब बैटरी से रन करता है तो बैटरी की तरफ से सप्लाई आता है कहाँ, स्टेप डाउन तक, और जैसे हम पावर लगाते हैं तो लैपटॉप का पावर सब जो होता है वो वोल्ट इन से होते हुए आता है स्टेप डाउन पे। यह इसी को हम बोलते हैं क्या, पावर एस आर से भी बोलते हैं, और ये सप्लाई डायरेक्ट चला जाता है इसको वोल्ट इन बोलते हैं, और इसी से आपके एक वोल्टेज डिवाइडर लगा के एलडीओ इनेबल किया जाता है। तो जैसे ही एलडीओ इनेबल होता है तो स्टेप डाउन आईसी क्या करता है कि 3 वोल्ट और 5 वोल्ट रेगुलेट कर देता है। जैसे ही 3 वोल्ट 5 वोल्ट रेगुलेट करता है तो यहां से एक सप्लाई निकलता है जिसको VREG3 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और भी अगर इसके बारे में आपको डिटेल जानना है तो स्टेप डाउन का सेक्शन आएगा, उसमें पूरे डीपली तरीके से हम इसको और भी डिस्क्राइब करेंगे। हमने नॉर्मल आपको समझाने के लिए शॉर्टकट में इसको भी बनाया हुआ है। तो चलिए यहाँ से आपका डायरेक्ट वोल्ट इन सप्लाई चला गया, अगर बैटरी लगा होगा तो इधर से आ जाएगा और एडाप्टर लगाएंगे तो इधर से जाएगा, वोल्टेज डिवाइडर ला के इसको इनेबल हुआ। जैसे ही इनेबल हुआ तो एक साइड में 3.3 वोल्ट, दूसरे साइड में 5.5 वोल्ट की सप्लाई आउट होगा। तो यही आपका जो VREG 3.3 वोल्ट होता है यही सप्लाई निकलता है, और जैसे ही निकल के एक रजिस्टर से आगे बढ़ता है तो इसका नाम हो जाता है 3.3 वोल्ट LDO। ठीक है, तो ये 3.3 वोल्ट LDO, अब जैसे 3.3 वोल्ट LDO निकलता है 5 वोल्ट LDO भी निकलता है, तो आगे आप पूरे सेक्शन का डिटेल में जब देखेंगे तो आपको आगे नॉर्मली कंसेप्ट हम 3-5 वाला जो LDO स्टेप डाउन IC है इसको हमने दर्शाया हुआ है। चलिए किसी किसी मदरबोर्ड में क्या होता है 3.3 वोल्ट LDO को एक रजिस्टर लगा के 3.3 वोल्ट KBC के नाम से भी बोला जाता है। तो इस पे एक तो डायोड है, इस पे एक पे सप्लाई आ गया किसका, आपका पावर का, एडेप्टर लगाया है तो एडेप्टर का, बैटरी होगा तो बैटरी का सप्लाई आ जाएगा। दूसरे पे सीमोस सेल, यानी सीमोस सेल, अब इसको क्या बायोस सेल भी बोला जाता है, सीमोस सेल भी बोला जाता है, आरटीसी सेल भी बोला जाता है, और सीमोस सेल भी बोला जाता है। ठीक है, ये 4-5 नाम अलग अलग नाम से लोग लाते हैं। ये 3 वोल्ट का सेल होता है, इधर एक साइड ग्राउंड है दूसरे साइड पॉजिटिव सप्लाई है। यहां से जैसे ही सप्लाई चलती है यहाँ पे 1 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा होता है, और फिर ये सप्लाई आपको आके यहाँ से आ जाती है, और ये इसका आउटपुट यहाँ से आउटपुट होता है। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपके लैपटॉप का बैटरी लगा है तो बैटरी से सप्लाई कंटिन्यू जाते रहता है, अगर एडाप्टर लगा है तो एडाप्टर से चलते रहता है। ठीक है, और जब ये दोनों नहीं, यानी आपके लैपटॉप में बैटरी भी प्रेजेंट नहीं है एडाप्टर भी प्रेजेंट नहीं है, उस कंडीशन में आपका आरटीसी यानी सीमोस सेल का यूज होता है। तो जैसे ही ये जब सप्लाई होता है तो इसमें हाई वोल्ट वोल्टेज तो 3.3 होता है, इसमें 3.3 वोल्ट है, इसमें 3 वोल्ट है, तो क्या होता है कि इससे ज्यादा इसका वोल्टेज ज्यादा है, तो एक तो वोल्टेज भी जाता है और इसमें एम्पियर की मात्रा भी ज्यादा होती है। ठीक है, लोड के अकॉर्डिंग इसमें एम्पियर का लोड बढ़ सकता है कम हो सकता है, पर यहाँ पे अगर आपका सीमोस सेल है तो ये तो फिक्स है
एक बैटरी है उसमें एम्पियर फिक्स है कि इतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये सप्लाई आपको यहां से यहां तक आ गया, ठीक है। यहां तक आई होप कि आप समझ गए होंगे। जब यहां से सप्लाई आगे जाता है तो एक कैपेसिटर लगा होता है जिसको फिल्टर कैपेसिटर बोलते हैं, और ये डायरेक्ट सप्लाई आरटीसी वीसीसी 1 मेगा ओम रेजिस्टर लगा के ये आपको एक तो चिप के अंदर चला जाता है, दूसरा जो है यहाँ पे आ जाता है जिसको हम बोलते हैं 1 मेगा ओम। वो तो आपका डायरेक्ट जो है वो तो चला गया, जो हमने आपको सिमेटिक में दिखा रहे थे, या फिर आप इसको एक और अलग से यहां से ऐड कर सकते हैं, ये आरटीसी वीसीसी हो जाएगा, ठीक है। एक तो आपका हो गया ये जिसको हम इंट्रूडर बोलते हैं, इसमें ज्यादातर 1 मेगा ओम का रजिस्टर यूज करता है। इंट्रूडर एक तरह से सेंसर होता है जो दिखाता है कि कोई केस हो गया या कोई चीजें जैसे हो गया, तो अगर ओपन होता है तो बताता है कि ये चीजें यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। इसी में एक दूसरा जो रजिस्टर होता है 320 किलो ओम का होता है ज्यादातर, पर ये अगर आपको देखेंगे तो 120 से लेके 390 किलो ओम के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पे कम बेस हो सकता है। ये जो है आपका इंटरनल वीआरएम इनेबल, यानी इस चिप के अंदर जो आरटीसी वीसीसी सप्लाई आ गया, तो अब इसको ऑन होने के लिए आरटीसी वीसीसी यानी सॉरी इंटरनल वीआरएम इनेबल का सिग्नल आता है। जैसे ही वो आता है यहाँ पे तो आपका ऑन हो जाता है, ये आपका चिप क्या होता है जी, ऑन हो जाता है, यानी काम करने लगेगा। अब जैसे ही काम करेगा तो अब ये 20 किलो ओम का एक हो गया आरटीसी रीसेट और दूसरा 20 किलो ओम का हो गया एसआरटी रीसेट, ये दोनों सप्लाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही आएगा तो ये अब चिप अपना काम प्रोसेस यानी वर्क देना चालू कर देगा। तो जैसे ही चालू करेगा तो देखेंगे कि इस पे क्या होता है ना कि एक साइड पे ना लो वोल्टेज होता है, लो सिग्नल होता है, और एक साइड में हाई होता है, ठीक है। ये लो सिग्नल मतलब कि ये आपका जो क्लॉक पल्स है ना धीरे धीरे आता है जी, ठीक है। और जब ये इन होके जब दूसरे साइड से आउट होता है तो ये फास्ट होता है, ये जल्दी जल्दी मतलब ये क्लॉक सिग्नल जो है फास्ट हो जाता है। एक साइड आपको लो वोल्टेज मिलेंगे, एक साइड हाई वोल्टेज मिलेंगे। इस क्रिस्टल को इसको अगर चेक करना है तो आप सीआरओ मशीन से डीएसओ मशीन से प्रॉपर इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसी में से ये आपका जब ये पूरा काम कर देता है तो जो चिप है आपका आईसीएच पीसीएच या एसओसी चिप जो भी चिप है उसमें जो आईओ आईसी लगा होता है, ये आपका आईओ आईसी है देख रहे होंगे, ये जो आपका आईओ आईसी है, इस आईओ आईसी को ये जो सिग्नल मिलता है सस क्लॉक के नाम से जो सिग्नल जाता है ये 32 हर्ट्ज का 32 किलो हर्ट्ज का होता है, ठीक है। 32 किलो हर्ट्ज का ये जो सिग्नल है ये आपको किसको जाता है, इस आईओ चिप को जाता है। अब आइए हम सबसे पहले आपको तो इसमें दिखा दें कि कौन सा कहां पे है, ठीक है। देखिए इसको कुछ इस कंडीशन में रखेंगे तो ये हो गया आपका एडेप्टर इन, यहां से सप्लाई इन करेगा, ये हो गया बैटरी का पावर कनेक्टर यानी बैटरी का पावर कनेक्टर। यहां से जब ये सप्लाई आएगा तो इसमें 3-5 का जो आपका आईसी होता है 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का आईसी होता है, तो वो कैसे पहचानेंगे कि 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का आईसी है, तो देखेंगे उसके पास में 2 कैपेसिटर लगे होते हैं 6 वोल्ट के, 6 वोल्ट के, ये है आपका 3-5 वाला, ठीक है कैपेसिटर, ये स्टेप डाउन हो गया। तो ये सप्लाई यहाँ पे आता है, इनसे होते हुए आपको यहाँ पे आएगा, उस आईसी इनेबल होगा, जैसे इनेबल होगा तो एलडीओ 3.3 वोल्ट आउट करेगा, यही 3.3 जिसको हम वीरेज के भी नाम से बोलते हैं, वीरेज के नाम से भी किसी किसी में निकलता है, रजिस्टर लगाते हैं रजिस्टर के बाद आपका 3 वोल्ट LDO बन जाता है, किसी किसी में 3 वोल्ट LDO के नाम से होता है, पर आगे एक 0 ओम का रजिस्टर लगा के 0 किलो ओम के रजिस्टर लगाकर आपको 3.3 वोल्ट केवीसी के भी नाम हो सकता है। तो ये सप्लाई निकला, ये आ जाता है कहाँ, तो डायोड पे। चले तो अब डायोड कहाँ पे लगा है ये देखना जरूरी है। तो डायोड अगर देखेंगे तो यहाँ पे अब सबसे पहले कि ये जो क्रिस्टल है क्रिस्टल कहाँ लगा है, तो इस बोर्ड में अगर क्रिस्टल देखें तो यहाँ पे ये क्रिस्टल लगा हुआ है, ये है आपका क्रिस्टल जिसपे आप देखेंगे कि हमने एक कैपेसिटर एक क्रिस्टल यहाँ पे लगा रखे हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक ये क्रिस्टल हो गया Y8 और ये 2 कैपेसिटर हो गए, एक यहाँ पे रजिस्टर हो गया, सेम हमने भी वैसे यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। तो ये आपका क्रिस्टल हो गया, एक और भी क्रिस्टल होते हैं जैसे कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी क्रिस्टल है, पर ये आपका वो क्रिस्टल ऑसिलेट क्रिस्टल है 25.00 MHz वाला, और ये है क्लॉक आपका आरटीसी क्रिस्टल, ठीक है। अब यहाँ पे डायोड कहाँ है, तो डायोड पे अगर देखेंगे तो डायोड का जो नंबर है D32,
अब आप इसको अगर एक्सचेंज कर देंगे यानी चेंज उलाट देंगे तो यहाँ पे देखिए कि ये जो डायोड है D32 यहाँ पे इसका नाम है, एक यहीं पे एक रजिस्टर लगा है जो इसका 1 किलो ओम का। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको ऑनबोर्ड टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो सीमोस बैटरी इसमें लगा हुआ है, सबसे पहले हम आपको सीमोस बैटरी ही चेक करवा दें। क्या हमारा मल्टीमीटर हो गया, ठीक है, ये आपका सीमोस सेल हो गया, मल्टीमीटर DC20 पे है अभी और ये है 2.9। अब इसके आसपास में तो कोई रजिस्टर वगैरह लगा नहीं है, तो हमने जब सर्च किया तो हमें यहां पे ये चीज मिल गया। ठीक है, हाँ चलिए तो हम ये ग्राउंड पे ले लेते हैं और यहां पे देखें कि ये एक रजिस्टर मिल गया, इस रजिस्टर के अगले पिन पे ये आपका RTC सेक्शन का सप्लाई आ गया और यहां से सप्लाई चला तो इस डायोड पे आया और इस डायोड से होते हुए आपका आगे बढ़ गया। पर वही अगर देखा जाए तो दूसरे साइड यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। पर चलिए हम क्या करते हैं, अब पावर कनेक्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे पावर कनेक्ट किए और अपने इस DC मशीन को स्टार्ट कर दिए, DC मशीन को स्टार्ट किया, यहाँ पे एम्पियर ले लिया 0.10 लोड, ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया और अब देखते हैं कि इसके दूसरे पिन पे कोई वोल्टेज आया कि नहीं आया। देखेंगे दूसरे पिन पे आपका सप्लाई आ गया 3.28 और दूसरे पे सप्लाई कितना है जी 2.9। अब आपका सप्लाई हमारा बन गया, ठीक है, और यहाँ पे अभी मैं अभी शॉर्टिंग दिखा रहा है, वो आगे हम देख लेंगे, हम सिर्फ अभी RTC सेक्शन चेक कर रहे हैं। ये सप्लाई आ गया जी यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका सप्लाई 3.3 वोल्ट आ गया यहाँ पे, चलिए, और यहीं से ये आपको आगे चला गया। अब आगे जाएगा तो देख लेते हैं कि कहाँ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सचेंज करते हैं, नहीं चेंज कर दिया, हम इस साइड आ गया फिर से सेक्शन। तो अब यहाँ पे जो आपका RTC सेक्शन का जो है ये चेक करेंगे हम, यहाँ पे आ गए, तो ये हो गया हमारा पूरा RTC सेक्शन का। अब यहाँ पे हमें दो रजिस्टर ढूंढना है जिसपे सप्लाई मिल जाए, तो एक ये रजिस्टर हुआ, एक ये रजिस्टर हुआ, देखेंगे कि आपका एक रजिस्टर और दो रजिस्टर, ये दो रजिस्टर हैं यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है तो, अगर दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो आई थिंक बेटर हो जाएगा। देखेंगे कि ये रजिस्टर एक है और दूसरा रजिस्टर ये है, दो रजिस्टर आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है, अब जूम आउट कर देते हैं, हाँ चलिए अब दिख रहा है। तो हम आ गए कहाँ पे, यहाँ डायोड पे, सॉरी रजिस्टर पे, और दो रजिस्टर हो गए, यहीं से सप्लाई आपको चला गया चिप में, एक RTC VCC डायरेक्ट आ ही गया है, तीन चीजें हो गया। और जैसे ही जब आ जाएगा तो ये क्या होता है, अभी हम आपको बता रहे थे कि क्रिस्टल पे एक पे लो और एक पे हाई, यहाँ पे देखिए एक लो एक पे हाई, तो देखते हैं किस पे लो है, इस पे है 43 और दूसरे पे है आपका 36, ठीक है, तो एक पे लो हो गया एक पे हाई हो गया और यही आपको चला गया कहाँ, क्रिस्टल पे। देखिए क्रिस्टल के पिन पे हमने चेक किया और इस साइड में हम देखें, इस साइड भी क्रिस्टल 85 के आसपास आ रहा, एक साइड हाई हो गया और दूसरे साइड आपका लो हो गया, एक साइड कम एक साइड ज्यादा हो गया और ये आपका क्रिस्टल हो गया, सॉरी कैपेसिटर होगा जिसपे एक साइड वैल्यू दिखाएगा और दूसरे साइड जीरो यानी दूसरे साइड ग्राउंड होता है, इस पर कोई वोल्टेज हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ तक सारी कंप्लीट रही और आई होप कि आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे RTC सेक्शन को। और इसमें अगर आपको देखना है कि रजिस्टर की वैल्यू देखना है तो इसको आप 20 किलो ओम पे रखिए और आपको दो रजिस्टर, मैं सबसे पहले तो पावर कनेक्ट कट करता हूँ DC का और दूसरा सीमोस बैटरी निकाल देता हूँ, तब जाके मैं इसको रजिस्टर की वैल्यू चेक करूँगा, क्योंकि पावर लगा रहेगा तो वैल्यू चेक करना प्रॉपर सही नहीं होगा। आइए अब हम रजिस्टर की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि रजिस्टर कितने किलो ओम का है, ओके 19.595
किलो ओम, और दूसरा रजिस्टर ये भी सेम है, तीसरा रजिस्टर ये नहीं दिखा रहा, ये एक मेगा ओम के पास होना चाहिए, दो मेगा ओम मैंने रखा, तो ये आपका है वन मेगा ओम का है, धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, उसके बाद और यहाँ पे एक रजिस्टर होगा जो ये नहीं है, और यहाँ पे एक और रजिस्टर है जो ये आपको आ जाएगा 20 मेगा ओम के आसपास, जो सिमेटिक में बताया है यहाँ पे, ये 9.10 9 पॉइंट समथिंग, एक्चुअली बोर्ड में लगा है ना थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो ये 8 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है, प्रॉपर स्टेबल नहीं है, 9 पॉइंट का भी जा रहा है। ये 10 मेगा ओम का एक ये रजिस्टर है आपका यहाँ पे, ठीक है। और तो ये जो आपका आरटीसी और एसआरटीसी ये जो रजिस्टर है, ये अगर खराब हो गया तो ज़्यादातर आपके बोर्ड में क्या होता है, नो डिस्प्ले हो जाता है यार, रीस्टार्ट का इशू आने लगता है बार बार। तो आरटीसी सेक्शन का जो मेन है प्रॉब्लम, एक तो नो डिस्प्ले हो गया, दूसरा रीस्टार्ट का होता है, तीसरा जो प्रॉब्लम होता है आपका आरटीसी यानी ये क्रिस्टल खराब हो गया, इसके वजह से आपका डेड का भी इशू हो सकता है, और आरटीसी रीसेट अगर रजिस्टर खराब हो गया तब भी डेड का इशू हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका बायोस सेटिंग चेंज हो सकता है, या बायोस पासवर्ड रीसेट करना होता है, सीमोस बैटरी वगैरह निकाल के हम रीसेट कर लेते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे आरटीसी सेक्शन के बारे में कंप्लीट, और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को इंट्यू सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से बता दें कि अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी रिक्शा, एसी पीसीबी, चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर www.multitechinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।